हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं तुषार चौधरी आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक और टॉपिक, जनरल मेथड ऑफ इलिप्स। क्या पढ़ रहे हैं? जनरल मेथड ऑफ इलिप्स। तो ये जनरल मेथड के द्वारा इलिप्स बनाना है। इतना क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑन द इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फॉर्म the from then and of the from the directrix direct equal to 50 mm। जो डायरेक्ट या डायगोनल जो बोलते हैं वो 50 mm दे दिया है। इन इसेंट्रिसिटी हमें 2.3 दे दी। अब इसमें तीन होता है इसेंट्रिसिटी। जब वन ई इसे इसेंट्रिसिटी तो दिनोते तलते ई से, जब ई का मान ए से बड़ा होता है या छोटा होता है, ए से छोटा होता है तो हम इलिप्स बनाते। ए के बराबर होता है तो पैराबोला बनाते, और ए से बड़ा होता है तो हम हाइपरबोला बनाते हैं। ये तीन डाउट है। अने ई तमान 2/3 होता है तो इलिप्स, ई तमान 1/1 होता है तब पैराबोला, और ई तमान 3/2 रहता है तो हाइपरबोला। या ई तमान 2/3 दिया अने हमें इलिप्स बनाना है तो जनरल मेथड से इलिप्स। इसमें कोई मेजर रेशी और माइनर रेशी नहीं दी जाती, ओनली इसेंट्रिसिटी दी जाती है। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। अब हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो ईस्ट डायरेक्ट्रिक्स या डायगोनल जो 50 mm दिया है उसे हम 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 5 भागों में डिवाइड कर देंगे। 1, 2, 3, 4 and 5 5 भागों में डिवाइड कर लें। ये जो 5 भाग रहता है इसे हम बोलते हैं फोतस। क्या बोलते हैं? फोतस। और यह भाग अपना 1, 2, 3, 4 and 5 तल दिए हैं। अब हम इसे ये जो 2 वाले भाग है उस पे और हॉरिजॉन्टल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें। अब हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ये ड्रॉ कर, यहाँ से 3/2 आर तक लें दें। आर तक लेने के बाद इसे हम आर तक से हमें ए पॉइंट और सी मिल गया है, पॉइंट सी हमें मिल गया। अब इस पॉइंट ओ से सी तक की दूरी इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करें। कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे? इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हम एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब ये हमें जो वी, ये तो बोलते विजुअल वन, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल
हम गाता है कितने डिजिट अंदर 45 डिजिट अंदर हम गाता है ये 45 डिजिट अंदर ले लिया हम और इसे हम यहाँ पे जहाँ पे भी टच हो रहा है वहाँ पे हम मिला देंगे और वहाँ से और हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये हम और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं अब हम जो ये बात है इसे हम सेम भादों में ड्रॉ करेंगे एक भाग दो भाग तीन भाग चार भाग पांच भाग छह भाग सात भाग ये आठ भाग इस आठ भाग में हमें इसे ग्रॉ किया इसे हम अब नंबरिंग दे देंगे नंबरिंग दे देंगे अब हमने और इसे नंबर दिए शीश तो हम इसे 2, 3, 3 by 10, 4 by 10, 5 by 10, 6 by 10, 7 by 10, 8 by 10, 9 by 10, 10 by 10, and 1 by 10, 7, 8, 9, 10, and 11. अब हम तो दूरी डिनोटेट करेंगे जैसे 3 by 3 तो इसे हम फोटस पे रखते काटेंगे ये 4 and 4 day दूरी लेते फोटस पे रखते हम ऊपर नीचे इसे मार तड़ेंगे फिर 5 दूरी लेंगे तो वही आएगा पर इसे हम नीचे भी दूरी लेंगे फिर 6 by 6 दूरी लेंगे और 6 वाली लाइन तो ऊपर तो वो नीचे ताते 7 by दूरी लेंगे और ऊपर और नीचे नीचे और ताते और 7 days, 8 or 8 days दूरी लेते जो हम ऊपर एंड नीचे काटेंगे 9 दूरी लेंगे और ऊपर एंड नीचे हम इसे काटेंगे 9 दूरी लेंगे ऊपर नीचे इससे भी हम गोवा तरेंगे 11 दूरी लेंगे ऊपर नीचे इसे काटेंगे अब यह जो पॉइंट मिले हैं 8 पॉइंट और ले लेते हम यहाँ पे और इसे हम और मिला देते हैं और इतनी दूरी और एक बार हम
ये दूरी हमें मिल जाएगी, यहाँ पे थी पे विजिबल दो मिल जाएगा अपन। अब यह जो सब पॉइंट मिले, इस सब पॉइंट तो हम राउंडर की सहायता से या फ्रिंज तरवत की सहायता से मिला देंगे। यहाँ में 3.4 पॉइंट मिल चुके हैं। इस टाइप से हमने सभी पॉइंटों को मिलाते हुए चलेंगे। हमारा फ्रिंज तरवती सहायता थे, हम इन पॉइंटों को मिलाते हुए चल रहे हैं। इसका चौथा लिप से बनकर तैयार हो जाएगा, और यह लिप से आपका बनकर तैयार हो गया है। अतः पेपर में इस टाइप से आप लिप से बनाना, और यह जनरल में तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको तेरा बोला और तेने से तेरे में हाइपर बोला बना। थैंक यू।